योगी को 10 एकड़ कमर्शियल प्लॉट अलॉट करने के मामले में फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साबिक चीफ राना यूसुफ और सेक्रेटरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुलजमान से 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात कर रही है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजमान राना यूसुफ और मकसूद अहमद पर फरहा गोगी और उनकी वालिदा की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करने का इल्ज़ाम है। मुलजमान ने कीमती इंडस्ट्री प्लॉट कोड़ियों के भाव अलॉट किया। फरहा गोगी ने जाली कंपनी बनाकर 60 करोड़ रुपए का प्लॉट सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट करवाया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इंडस्ट्री प्लॉट हासिल करने के लिए कंपनी की वैल्यू 2 अरब रुपए होनी चाहिए थी। फरहा गोगी के शोहर एहसन जमील गुर्जर ने 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। हुकाम का कहना है कि फरहा गोगी और एहसन जमील गुर्जर के असासों की छानबीन जारी है।